हेलो गाइज, मैं अपूर्वा शर्मा और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे राजमा, तो चलिए हम बनाते हैं। ये मैंने राजमा लिया है, इन्हें ओवरनाइट भिगोकर वॉश कर लिया है अच्छे से, और अभी हम इन्हें उबालने के लिए रखेंगे। इन्हें मैं कुकर में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है और अभी हम इन्हें उबालेंगे। तो मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। तो कुकर में मैंने 6 से 7 सीटियां लगा ली है और अभी हम इसे ठंडा होने देंगे, उसी के बाद हम इसे खोलेंगे। ये मैंने प्याज लिए हैं, 2 प्याज है और इन्हें कट कर लिया है। थोड़ी लहसुन की कलियां ली है, 7 से 8 कलियां हैं ये, और ये थोड़ा अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्ची, 4 टमाटर जिन्हें मैंने कट कर लिया है, और अभी मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। सभी को मैंने जार में डाल दिया है और अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो ये हमने लिए हैं बेसिक मसाले, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच अमचूर, स्वाद के अनुसार नमक। तो ये ठंडे हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को गरम होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे हम जीरा। ऑयल गरम हो गया है तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। जीरा तड़क गया है तो 1 पिंच हींग डालूंगी मैं इसमें। और पिसी हुई प्योरी डालूंगी। और इसे मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और सभी को मिक्स कर देंगे। तो अभी हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। तो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अभी मैं ऐड करूंगी राजमा। आधा गिलास इसमें पानी ऐड करूंगी। और 15 मिनट के लिए इसे ढककर कुक करेंगे। अभी मैं ऐड करूंगी गरम मसाला, साथ ही ऐड कर दूंगी अमचूर,
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने कस्तूरी मेथी ली है तो ये भी मैंने डाल दी है, इसे मैंने क्रश कर लिया था। अभी मैं ऐड करूंगी हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम कर दूंगी बंद। राजमा हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा राजमा बनकर तैयार हुआ है। तो अभी हम इसे सर्विसिंग बॉल में निकालेंगे। मैं इस पे रख दूंगी थोड़ा सा बटर। तो राजमा हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा राजमा बना है, खाने में ये बहुत ही डिलीशियस है।